अगली खबर है अभिनेता एजाज खान की। एजाज खान बिग बॉस में आए थे, विवादों से पुराना नाता है, सोशल मीडिया पर इस्लाम के ये बड़े ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये साहब पकड़े गए कहां? नवी मुंबई के एक 5-स्टार होटल में, वो भी नशे की हालत में, नशे की गोलियों के साथ। ये इन जनाब का वो चेहरा है जो ड्रग एडिक्ट का होता है। पहले 5 लाइन में पूरी की पूरी खबर को आपको जान लेना चाहिए। एजाज खान को आज अदालत ने 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एजाज खान के पास से 8 ड्रग्स की गोलियां बरामद हुई थी, जिनकी कीमत कुछ 2,20,000 रुपए है। सोमवार रात गिरफ्तारी के समय एजाज नशे में था। जिस होटल से वो पकड़े गए वहां रेव पार्टी चल रही थी। कुछ समय पहले एजाज ने वीडियो जारी करके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपशब्द कहे थे। खुद को इस्लाम का सच्चा पैरोकार बताने वाले एजाज पर ये आरोप लग रहा है, ये आरोप वो खुद लगा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है मेरे को, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, सब जानते हैं। ये वीडियो एजाज को अदालत ले जाने से पहले का है। अब सुनिए अदालत से बाहर आकर उसने क्या कहा। एजाज के वकील ने भी एक अलग कहानी सुनाई। कोई दो लड़कियां, उन्होंने उनका साइन लेने की कोशिश की, कुछ ऑटोग्राफ्स लेने की कोशिश की, और उसके बाद ही पुलिस की रेड वहां पे पड़ी है और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। पुलिस कह रही है कि एजाज ने निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स लिए थे। इसके पास बैन सब्सटेंस थे, पर्सनल क्वांटिटी, एक्सेसी करके एक ड्रग आता है जिसके टैबलेट्स रहते हैं, वो तकरीबन पर्सनल क्वांटिटी के है, वो 7-8 टैबलेट्स मिले हैं। नवी मुंबई के बेलापुर स्थित इसी के स्टार होटल के बाहर से अभिनेता एजाज खान को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। ड्रग्स का मिश्रण करके जो टैबलेट बनाते हैं वो उनके पास से बरामद किए। ये उन तक पहुंचे कैसे, वो टैबलेट का सेवन वो कर रहे थे या किसी को देने लाए थे, इन सारे सवालों के जवाब नवी मुंबई क्राइम ब्रांच एजाज खान से पूछताछ में करने जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों एजाज खान जैसे लोगों को धर्म की आड़ लेनी पड़ती है? क्यों दुनिया के सामने इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाला बंद कमरे में इस्लाम की सारी शिक्षाएं भूल जाता है? ये इस खबर का वो छिपा पक्ष है जो आपके सामने नहीं आता। एजाज खान की खबर आपको दिखानी इसलिए जरूरी है कि ऐसे ही लोग धर्म की चादर ओढ़कर अपना धंधा चलाते हैं। रमजान कोई शॉपिंग का, ईद की शॉपिंग का, या महीने भर की इफ्तारी घर में भर के, सहरी भर के रहने का महीना नहीं है। ये रहमतों का, ये इबादत का, ये फजीलतों का महीना है। ये एजाज खान का वो चेहरा है जिसे वो दुनिया को दिखाता है। खुद नशे की गोलियों के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन उपदेश बड़े बड़े देता है। बहुत सारी चीजें है नशे के अलावा। नशा छोड़ो, अपने माँ बाप का जो खून उन्होंने जला जला के तुम्हें दूध पिलाया, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया, उसको ये MD, ये चरस, ये गांजा, इसमें मत डालो यारो। ये दुनिया को इस्लाम का पाठ पढ़ाता है, लेकिन होटल के बंद कमरे में गुनाह करता है, जबकि इस्लाम में नशा हराम है। कुरान पाक के 5वें पारे की सूरह निसा की 90वीं आयत में नशे को गुनाह बताया गया है। इस्लाम के जिन 8 गुनाहों से लोगों को बचने को कहा गया है, उसमें नशा भी एक है। ऑनलाइन के जमाने में कई ऐसे नकली लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उपदेश देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, कमाई का धंधा शुरू कर चुके हैं। यूट्यूब पर एजाज खान का चैनल वेरिफाइड है, उसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, और यही फॉलोअर्स उसकी कमाई का जरिया है। सबक क्या इस खबर से? हमारे देश में धर्म की दुकानें तो हर जगह खुली हुई है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म का सुपरमार्केट इन दिनों इंटरनेट बना हुआ है, जिसका एक्सेस आपके पास 24 घंटे रहता है। तो इस खबर का मास्टर स्ट्रोक यह है कि धर्म के सुपरमार्केट में नक्कालों से आप सबको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।